बैठे हैं हमारे डॉक्टर रजत शर्मा जी, एनिमल हस्बेंड्री से फोर से ही हैं ये हमारे डॉक्टर बैठे हुए हैं। आज के इस फंक्शन में छोटे से फंक्शन में सबका स्वागत है। हम एआर साहिबा को दरख्वास्त करेंगे कि इस कोऑपरेटिव वीक पर थोड़ी सी रोशनी डालें, फिर मैं जो ऑडियंस दूसरे उनसे भी बुलाएंगे। जनाब एआर साहिबा, आज का ये जो हमारा मौका है, दिस इज द 71st कोऑपरेटिव वीक। 14 से लेकर 20 तारीख तक हम ये वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं। और पहले तो दो चार चीज़ें मैं शुरुआत से ही आप लोगों को बताना चाहूँगी। डिपार्टमेंट रिवाइवल मोड पे है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद अपनी अपनी पूरी उम्रें दी हैं। मैंने तकरीबन हर ब्लॉक में सर्व किया है, 8 हमारे ब्लॉक्स हैं, एक खोड़कनूर रह गया था और आप लोगों की सेवा करने का मौका यहाँ भी मिल गया। ऐसा है कि मैंने, मुझे लगता है तकरीबन 80% लोगों से यही सुना है कि 40 साल हो गए हैं डिपार्टमेंट के साथ काम करते हुए और अभी ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो मैं आज आपको थोड़ा सा एक क्रोनोलॉजी देना चाहूँगी, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो पिछले चंद सालों में हुए हैं, जो हम डिपार्टमेंट को रिवाइव करने की जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं। 2021 से जब से ये मिनिस्ट्री हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो है, मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंडर आई है, अमित शाह जी के अंडर आई है, जिनको हम चाणक्य कहते हैं हिंदुस्तान की राजनीति का, तब से ये डिपार्टमेंट जो है अपस्विंग पर है। हमारी कोशिश है, हमने चंद इनिशिएटिव्स जो हैं जिनको मैं डेफिनेटली हाईलाइट करना चाहूँगी। सबसे पहली शुरुआत जो हमारी हुई है, हमने कंप्यूटराइजेशन ऑफ पैक्स किया है। हमारा 3-tier स्ट्रक्चर है, जो लोग नहीं जानते हैं मैं थोड़ा सा उनको अवेयर करना चाहूँगी। हमारा स्ट्रक्चर शुरू होता है विलेज लेवल पे, हम पैक्स जिसको कहते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, उसके बाद हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की सोसाइटीज़ हैं, फिर हमारी एपेक्स लेवल की सोसाइटीज़ हैं। मार्केटिंग के लोग हमारे यहाँ आए हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अगर मैंने किसी को मिस आउट किया है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। इस 3-tier स्ट्रक्चर को फिर से रिवाइव करने के लिए, रीस्ट्रक्चर करने के लिए सबसे पहला काम हमने मेंबरशिप ट्रेसिंग की है। 2500 करोड़ गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया 63,000 पैक्स के लिए। और आप लोगों में से, मुझे नहीं लगता है, मेरी 4 पैक्स हैं यहाँ पर फंक्शनल खोड ब्लॉक में और चारों को हम CSC सेंटर के लिए कंप्यूटर्स दे चुके हैं, जिसमें सरकार ने 4 लाख रुपये अपना खर्च किया है ताकि आप लोगों का डेटा जो है हम ट्रेस करके कंप्यूटराइज कर सकें। फिर हमारी कोशिश ये है कि जैसे सरपंच का रोब रहता है अपने गांव में, हम कितनी इज्जत से कहते हैं सरपंच साहब आए, वैसे ही हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी के जो सेक्रेटरी साहब हैं, एक सोसाइटी को हम कोशिश कर रहे हैं एक नोडल पॉइंट बनाने की, जहां से हम सारी की सारी सर्विसेज राउट थ्रू द सोसाइटी कर सकें। हमारे जो गुजरात से बहुत रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, JKMPCL के सर चिराग जी, इन्होंने बताया है कि सारी प्रोक्योरमेंट, सारा का सारा काम गाँव में सोसाइटी के थ्रू होता है। लाइकवाइज गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि हमारे कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो हम सारे के सारे एक सोसाइटी को नोडल पॉइंट बना के वहाँ से वो सारा काम चले। हमारे जनौषधि सेंटर्स शुरू हुए हुए हैं, प्लावाला में हमारा जनौषधि सेंटर खुला है और मैं मुबारक देना चाहूँगी सुभाष जी को, जिन्होंने इतना एफर्ट लगाया है और इतनी कोशिश करते हैं लोगों को जेनेरिक मेडिसिन मिल सके कम से कम कीमत पे। बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, दवाई बहुत महंगी है, तो डिपार्टमेंट आपको, अगर आपको कोई दवाई 200 रुपये की मार्केट में मिल रही है तो जनऔषधि सेंटर में वो दवाई आपको 40 रुपये की मिलेगी विद इक्वल एफिशिएंसी, और उसकी उतनी ही आपको फ़ायदे मिलेंगे और पैसे कम देने पड़ेंगे। हम CSC सेंटर्स खोल रहे हैं सिर्फ इसलिए, कंप्यूटर का दौर है, आपको कहीं बाहर ना जाना पड़ जाए, एक फ़ोटो स्टार्ट कराने के लिए आपको 20 किलोमीटर ट्रैवल ना करना पड़ जाए, आपका खर्चा पानी आपकी जेब से जो पैसा निकलेगा वो मेरे लिए मायने रखता है। तो ये CSC सेंटर खोलने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आपके गांव में आपके नज़दीक आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा सके। हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं कि हम इंडिया को डिजिटाइज करेंगे, तो ये CSC सेंटर्स उसी नीयत से खोले गए हैं कि डोर स्टेप डिलीवरी आपको सारी सर्विसेज की जाए। और CSC सेंटर्स को भी बढ़ावा देने के लिए मुझे आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। एक वक्त हुआ करता था हमारी प्राइमरी सोसाइटी होती थी सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके बाद मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी का अमल वजूद में आया, तो उसमें इस वक्त सब लोग बड़ी मार्केटिंग सोसाइटी के मेंबर भी हैं। ये मूवमेंट जो थी ये ग्रास रूट लेवल तक, रूरल एरिया इसकी शाखाएं थी। आज जब सरकार ने प्राइवेटाइजेशन कर दी, पहले मैं ये कहूंगा कि हमारी अगर कोई, हमें कोई नुकसान पहुंचा तो सरकार की उस पॉलिसी से कि यकदम यकमुश्त
फर्टिलाइजर भी ड्रा करा लिया गया, प्रोक्योरमेंट भी ड्रा कर ली गई, प्राइमरी सोसाइटियां भी बैठ गई और मार्केटिंग सोसाइटियां भी बैठ गई। हमारी मूवमेंट जो थी उसको धक्का लगा। चाहिए तो ये था, सरकार का ये फर्ज बनता था कि सबसे पहले इनको रिवाइवल करना और उसके बाद प्राइवेट करते, फर्टिलाइजर प्राइवेट करते, प्रोक्योरमेंट प्राइवेट करते। आज जमींदार किसान दरबदार हो रहा है, व्यापारी लोग लूट रहे हैं, 500-500 रुपए मार्जिन जो सरकार का रेट है उससे भी कम ले रहे हैं। आज बासमती 3500-3800 रुपए ले रहे हैं, जबकि इसका चावल 120 रुपए से कम नहीं मिलता। तो मेरा कहने मतलब हर किसान को, इस वक्त किसान बड़ा दुखी है, उसको टाइमली फर्टिलाइजर, टाइमली सीड, वो कोऑपरेटिव मूवमेंट ही कर सकती है, कोऑपरेटिव तरीके इसको आगे ले जा सकती है, और कोई आर्मी, इंडिविजुअल आर्मी इसको आगे नहीं ले जा सकती। तो मैं कहता हूं इस तरीके को ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी जो अब ये सल्फर लाइट जो हमारा एक्ट है उसके तहत 11 मेंबर इकट्ठे करो और सोसाइटी बनाओ, वो भी अच्छी स्कीम है। लेकिन हमें एक बाइबल जुम्प लगाने हैं, ऐसे जुम्प लगाने जिससे बेरोजगारी खत्म हो। हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, नौकरी तो सबको मिलेंगे नहीं, लेकिन अगर ये वाइबल, जैसे मैंने ये देखा है खुंडा आप जगह गए होंगे, वहां पर मिनी सेल लगा, इतने स्वादिष्ट चावल, मैंने खुद अपनी पैडी वहां पर ले गया और इतने स्वादिष्ट चावल बासमती के निकले। आज उन्होंने लगाया, वो काम चला रहे हैं, वो एक ड्राइवर के लड़के थे तो वो काम अपना चला रहे हैं। इसी तरह अगर ये हमारी मार्केटिंग स्वेट के पास इतना बड़ा गोदाम है 80x40 का, 3200 स्क्वायर फुट है, और उस वक्त 3 लाख रुपए में जो टोटल कंप्लीट हुआ था, आज तो उसकी कीमत, तो इसका मैं कहता नहीं कहते, ये बिल्डिंग भी बड़ी सस्ते रेट में उस वक्त बनी थी। तो ये एक मूवमेंट दीजिए, सबके सहयोग से ये बना, एक आदमी के सहयोग से नहीं बना। कोऑपरेटिव का मतलब भी यही है कि एक दूसरे के साथ मिलकर चलना, कंधे से कंधा मिलाकर चलना, ताकि लोगों को फायदा मिल सके। पर आज कोऑपरेटिव से जुड़े हुए यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, तो ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट मेनली दो प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है, मिल्क और मीट। तो सबसे पहले मैं मिल्क पे बोलूंगा, डेयरी इंडस्ट्री पे हम टाइम टू टाइम, जैसे इस टाइम पे भी इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम पे काम हो रहा है, जिसपे आपको 50% सब्सिडी पे एनिमल्स परचेज कर सकते हैं आप, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20, जिसपे 50% सब्सिडी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक एनिमल आपको 80,000 रुपीज में आप खरीदते हैं नॉर्मली, अंडर द स्कीम आपको 40,000 सब्सिडी मिलती है, जिसमें हाई जेनेटिक बर्थ के एनिमल्स आप खरीद सकते हैं। अब इंडिविजुअल बेस स्कीम तो काफी टाइम से चल रही है और काफी लोगों ने इस पे बेनिफिट भी लिया। अब डिपार्टमेंट मूव कर रहा है ग्रुप बेस स्कीम्स की तरफ। इंडिविजुअली तो आपकी मदद हो ही रही है, पर डिपार्टमेंट का फोकस हो गया ग्रुप पे। अब ग्रुप दो मेनली दो तरीके से बन सकते हैं जिसपे डिपार्टमेंट सब्सिडी देता है। पहला हो गया आप अंडर एक कोऑपरेटिव पे ग्रुप बना सकते हो, अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। दूसरा होता है कंपनी एक्ट के अंडर आप ग्रुप बनाते हैं, पर मेनली जब लोग हमारे पास आते हैं हम कोऑपरेटिव एक्ट को ही प्रेफरेंस देते हैं। 95% जो ग्रुप्स हमारे डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं वो अंडर कोऑपरेटिव एक्ट वर्क कर रहे हैं। उसका मेन रीजन ये है कि कोऑपरेटिव में एवरीवन इज होल्डिंग इक्वल इक्विटी, यानी कि हर मेंबर इक्वली ओनर है। कंपनी में आपकी शेयर होल्डिंग अलग हो सकती है, किसी का वोट 50% भी हो सकता है, किसी का 1% हो सकता है, पर यहाँ पे सबका वोट इक्वल है, यानी कि हर एक के पास इक्वल इक्विटी है। अब इस पे जैसे मिल्क बेस्ड स्कीम्स हैं, इसमें डिपार्टमेंट, जैसे मैम ने एक राइटली पॉइंटेड किया कि यहाँ पे वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत कम दिख रही है। इस टाइम पे जो डिपार्टमेंट जो भी असिस्टेंस स्कीम्स ला रहा है वो मेनली जो ग्रुप बेस्ड है वो मेनली वुमेन बेस्ड है, यानी कि अगर आप एक सेल्फ हेल्प ग्रुप लाते हैं जिसपे डिपार्टमेंट ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट, जो मिल्क कलेक्शन यूनिट पे असिस्टेंस दे रहा है 5 लाख तक की, वो टोटली वुमेन बेस्ड ग्रुप के ऊपर है। मेल बेस्ड ग्रुप के ऊपर अभी फिलहाल वो स्कीम नहीं है। कोई भी वुमेन बेस्ड ग्रुप आता है हमारे पास जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्टर्ड है, 5 लाख तक की असिस्टेंस है, और ये सब्सिडी नहीं है, ये असिस्टेंस है, जिसमें से फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सारा मिल्क कलेक्शन यूनिट का जितना भी इक्विपमेंट है 5 लाख तक का आता, आप बिल सबमिट करते हैं, आपको 5 लाख की असिस्टेंस है, यानी कि 100% असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट, जिसमें आपको अपनी तरफ से सेल्फ हेल्प ग्रुप को कोई शेयर नहीं करना, पहले आपको खरीदना, उसके बाद आपको असिस्टेंस मिल जाएगी।
एग्जिस्टिंग अदर ग्रुप्स हैं वो तो हमारे लिए और भी इजी है, उनको असिस्टेंस देना अंडर AMCU। उसके बाद एक होता है बल्क मिल्क कूलिंग यूनिट, उस पर 15 लाख तक की असिस्टेंस है। जी मैम, आज कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की तरफ से आज यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया था खोड़ में, क्या कहेंगे मैम इसको पूरी डिटेल में बताएं। आज हमारा 71st कोऑपरेटिव वीक का ब्लॉक फंक्शन रहा है ब्लॉक खोड़ में, और हमारा थीम है टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट को लेकर। हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में बात की है हमने, वी बीन वेरी लकी कि हमें JKMPCL का साथ मिला, एनिमल हस्बेंड्री का साथ मिला, और इस लेवल पे हम एक प्रोग्राम कर पाए हैं। हमने एक सरपंचस को और जो पंचायत के हमारे लोग इन्वॉल्व रहे हैं, हमने लोगों को बुलाया है, हमारे जो चेयरमैन रहे हैं मार्केटिंग के, जो एक्स जो फाउंडर मेंबर्स रहे हैं, हमने हर किसी को इन्वाइट किया है फॉर सजेशंस। और बहुत सारी स्कीम्स हैं हमारी, हमने CSE सेंटर्स ओपन किए हैं खोड़ जैसे फारफ्लंग बॉर्डर एरिया में, हम जनौषधि सेंटर चला रहे हैं, हमने फर्टिलाइज़र लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है, और हमारी कोशिश है कि जितना हो सके हम लोगों को ग्रास रूट लेवल तक फ़ायदा पहुंचा सके। मूवमेंट का रिवाइवल है जिसमें हमें बहुत सारे लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी, इंटर डिपार्टमेंटलाइजनिंग को प्रमोट करते हुए हमने ये इवेंट रखा है, और जितना हो सके हम मूवमेंट को फर्दर लेकर जाना चाहते हैं, ये हमारी कोशिश रही है इस बार। वीडियो के माध्यम से युवाओं को क्या मैसेज रहेगा, क्या स्कीम्स रहेंगी आपकी सोसाइटी की? हमारी स्कीम्स में ऐसा है कि जो फिलहाल हमारा जो हम विकसित भारत की बात करते हैं और जो हम डेवलपमेंट पैराडाइम की बात करते हैं, इसमें इंडिया इज इमर्जिंग एज द सुपर पावर इन द वर्ल्ड, और विद 65% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन विलेज लोगों को जो विलेज लेवल पे हमारे जनता है उनको इन्वॉल्व करना बड़ा ज़रूरी है एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ में। और कोऑपरेटिव जो है उसमें अब हमने एकदम डाइवर्सिफाई किया है फ्रॉम फर्टिलाइजर्स टू प्रोक्योरमेंट स्ट्रेट वे टू CSE सेंटर्स, हम जनौषधि सेंटर्स चला रहे हैं, हमारे पास 110 एक्टिविटीज़ हैं एट द मोमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैंक्शन, प्रीटी मच एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ हम कोऑपरेटिव के पैराडाइम के अंडर ला सकते हैं उसको, फ्रॉम इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज टू वेस्ट मैनेजमेंट। हम स्कूल्स चला रहे हैं, देर आर हॉस्पिटल्स, हम मेडिसिन सप्लाई करते हैं, देर इज़ एवरीथिंग पॉसिबल अंडर द पैराडाइम ऑफ कोऑपरेटिव्स, सो दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग टूवर्ड्स। एंड वी नीड यंग पीपल इन द मूवमेंट बिकॉज दिस इज़ अंडर द स्कीम जहाँ पे हम गवर्नमेंट की तरफ से चाह रहे हैं कि जितने यंग लोग हमारे पास इन्वॉल्व हो सकें रिवाइवल मोड पे, स्पेसिफिकली हमारे पास यंग लोगों का रिक्वायरमेंट है। फिर से अगर मूवमेंट को रीइंस्टेट करना है, रिस्ट्रक्चर करना है, तो जितने रिक्रूटमेंट्स हुई हैं और जितने हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, सारी की सारे जो एजेंडा है एवरीथिंग फॉल्स अंडर द कोऑपरेटिव स्पेक्टिकल। JKMPCL एक ऐसी सक्षम ऑर्गेनाइजेशन है कि अगर जिसके साथ, क्योंकि वो 365 डेज आपके प्रोड्यूस को खरीदने की और आपको रीपेमेंट करने की गारंटी देती है, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में आते हो, नया फार्म लगाते हो, गवर्नमेंट की कोई योजना है, कोई स्कीम है, उसके अंतर्गत आप कोई नया डेयरी फार्म लगाते हो, तो हमारी ये गारंटी है कि आपका जो भी प्रोड्यूस है 365 डेज 12 महीना उसको खरीदने की जवाबदारी हम लेते हैं। हमने कभी किसी सोसाइटी को, कभी मिल्क प्रोड्यूसर को ये नहीं बोला कि भाई हमारे पास अभी स्टॉक ज़्यादा है, हम नहीं परचेस कर पाएंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम लोगों को इसके साथ इंक्लूड करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। हमारी उम्मीद है कि मैक्सिमम यूथ इसके साथ जुड़ेगा तो सबसे बेहतरीन सिचुएशन आ पाएगी, और इसमें एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उनका काफ़ी योगदान रहता है सारी चीज़ों में, कि जब हमारे साथ उनके जो बेनिफिशरी उनको जुड़ते हैं। और मैं लोगों को भी ये बताना चाहूँगा कि भाई एनिमल हस्बेंड्री डेयरी ऐसी एक्टिविटी है कि जो आपको 365 डेज रोज़गार दे सकती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके साथ जुड़े, डिपार्टमेंट के साथ जुड़े और इस बेनिफिट योजना का बेनिफिट ले। पर मैं JKMPCL की तरफ से ये इंश्योरेंस दे सकता हूँ कि 365 डे जो भी है उनका मिल परचेस करने की जवाबदारी हम लेते हैं, तो हमारी सोसाइटी कभी किसी को मना नहीं करेगी ना हम सोसाइटी को मना करेंगे।